उसने कहा क्या होता है, और उसने वो आउट की और सुदामा आगे गए से मिले। आपको कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा कितने धनवान है आपको पता है। उस साधना को मैं आपको प्रदान कर रहा हूँ इसलिए कि आप कभी गड़गड़ ना रहे मेरे पास पैसों के लिए ना मांगे, आप स्वयं गुरु को प्रदक्षिणा देने के लायक हो और आपने काम करने के लायक हो। आज मैं भी एक गरीब ब्राह्मण का बेटा, छह भाइयों का बड़ा भाई, मैंने भी एक छोटे गांव में जन्म लिया है, मैंने भी नौकरी की है, लेकिन साधना के बल पर जो आज मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं गुरु को कभी एक बार भी विरोध से कुछ नहीं कहा। गुरु जी ने मेरे पास जब पैसे लेते मेरी परीक्षा की और गुरु ने कहा कि जोशी तू शिविर कर, तब मैंने जेब में 5 पैसे नहीं दिए। यहाँ मेरे गुरु भाई रेलवे भैया यहाँ है शायद कहीं भी है, तो उन्होंने भी उनको भी मालूम है कि हमारी परिस्थिति क्या थी जब गुरु जी ने शिविर करने के लिए कहा एक एक पैसा लेने के लिए। अगर उस दिन मैं गुरु जी का शिविर न करता तो आज तुम्हारे सामने मैं खड़ा नहीं होता। इसलिए गुरु जी की इच्छा पूर्ण करने वाला, गुरु के विरुद्ध न बोलने वाला, गुरु के चरणों में झुकने वाला, गुरु की माया गुरु जाने। गुरु क्यों कुछ किसी बात को क्यों बोलते हैं ये हम नहीं जानते। गुरु जी जो कुछ भी पूछे अगर हम सहर्ष देते हैं, नहीं तो अहिष्की जट करना तो अपने जन्म से की आदत है। हम देने से पहले गुरु ने 100 रुपये पूछे तो गुरु जी 50 रुपये है वो 50 रुपये देने में भी आगे पीछे करें। हमने कुछ भी जानना है तो अपने आगे पीछे करेंगे, लेकिन जो गुरु जी ने मुझे सिखाया उस स्थिति से मैं जो गुजरा हूं। मैंने आपको बहुत बार कहा है कि गुरु जी ने जब मेरे को काशी में काशी के पास विद्या वासिनी के पास साधना करने के लिए भेजा तो मैं यहां से दिल्ली 2000 रुपये लेके गया था और गुरु जी की क्या इच्छा थी मुझे पता नहीं। गुरु जी ने कहा जोशी कहां से आया, मैं नौकरी से नौकरी कर रहा था, नौकरी थी लीव भी नहीं मिलती थी, लीव की मुझे गुरु जी ने शरण कह दिया कि जोशी ऐसा कर तो यहाँ से विद्यावास में साधना को चले जाओ। मैंने ऑफिस में भी नहीं बोला था और मैंने कहा अब गुरु जी को नहीं नहीं कहना चाहिए, गुरु जी ने कह दिया है। गुरु जी को नाम कर कहते हुए मैंने कहा कि प्रभु कहिए क्या करना है। बोले तेरे पास कितने पैसे हैं, बोले 2000 रुपये। तो गुरु ने कहा 2000 रुपये दे दे, अगर 2000 रुपये दो तो दिल्ली से हैदराबाद कैसे जाओ, दे दिया दे दो, बोले दे दिया। देने के बाद गुरु ने कहा कि ले इसमें से मैं 82 रुपये दे रहा हूँ, 82 रुपीज। यहाँ से विद्यावासी जाने के लिए उस समय खटारी बस चलती थी, 60 रुपये के विद्यावास ने वहां से जंगल में जाने के लिए 20 रुपये घूमते और बाद में बचता था 2 रुपये। मुझे वो नहीं मानो, वो दे दिया और बोले जा। मैं देखा बस से गया और एक जंगल में उतरा, जंगल से जाकर जंगल में जाना था तो खटारी बस वाला पूछा प्रभु कहाँ जाना है, मैं बोला फलाने जगह जाना है तो जंगल का एक झरना बहता है वहां जाना है। बोले उतने घने जंगल में आते नहीं मरने जा रहे हो क्या, क्यों जा रहे हो, मुझे पता नहीं कोई घना जंगल है क्या है, गुरु जी ने कहा है जाना है जाना ही। वहां गया मैं देखा कि वहां से 60 रुपये दिल्ली से विद्यावासिनी में, वहां से 20 रुपये खटारी बस का हुआ और फिर बाद में जेब में 2 बजे बस। चिंता शुरू हो गई यहाँ तक तो पहुंच गया, आगे पीछे कैसा जाओ, पहले वो चिंता करे आगे क्या, यहाँ साधना करने के लिए खाना खाना खाने खाने वाला कुछ ना कुछ तो पूछेगा, उसको पैसे कहाँ से दूं। गुरु जी ने जो कहा कि तू जा चला गया वहां, जैसा ही कटार बस धूल छोड़ती हुई वहां छोड़ दी मुझे जंगल में। मैंने देखा कि वहां कुछ नहीं है, घना इतना अंधकार घना जंगल, कोई कहीं आवाज पक्षियों के कहीं चीजों के इसकी आवाज आ रही, और मैंने देखा धूल उड़ी बस को आगे पूछते हुए देखे गया तो मैं कहाँ उतर गया, कहाँ गाँव नहीं कुछ नहीं है जंगल है पूरा। उसने तो बस वाले ने कहा यही है तुम्हारा स्थान जो तुमने बोला है। देखता हूँ पीछे क्या कि एक दो साधु है पीछे से पीछे पीछे देखा दो साधु, बोला तुम्हारा नाम अनिल कुमार जोशी, हाँ अनिल कुमार जोशी गुरु जी ने भेजा है तुम्हें, हाँ गुरु जी ने भेजा है चलो हमारे साथ। मैं तब तक खाना भी नहीं खाया था, मैं बोला जाने के बाद तो खाना दे देंगे, चलो चलते 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 गए। कम से कम हम आज जैसा कर्पूर से यहाँ चलते हुए आया वैसा चलते हुए गया, लेकिन तब बहुत नौजवान था आज जवान हूँ बस इतनी बात है। क्योंकि कभी अपने आप को असमर्थ समझना ये मेरी बात नहीं, मैं अपने आप को असमर्थ नहीं समझता, हमारी चेतना आते हुए बोलते रहते अब बुढ़े हो गए कार में चढ़ो कार में चढ़ो, मैं बोला कार में तू बुढ़ा हो रही ना अभी जरूर चल के बताता हूँ, ऐसा बोलते ही चलते हुए आए। तो कभी अपने आप को असमर्थ नहीं समझना चाहता, असमर्थ नहीं रहता, असमर्थ नहीं समझना चाहता। गया 11 किलोमीटर जाने के बाद उन्होंने कहा जोशी जी यहाँ झरना बह रहा है, ये आपकी साधना का स्थान है, आप यहाँ साधना करनी है।
बोले क्या झरने के नीचे जाने स्नान करके आओ, गए झरने के नीचे स्नान करे, एक धोती उन्होंने ही दी जो पानों रक्तों से गुल बंदी थी, उन्होंने कहा ये धोती पहन लो, पहन ले। बोले झाड़ के नीचे खड़े होकर आपको साधना करें, मेरे साथ एक बिहार के साधु थे उनको और मेरे को दोनों को साधना करनी थी, और तीसरा साधु का बैठ रहा था, अच्छा अपना अपना जप करते बैठा था। मैंने देखा कि ये क्या है यार ये, मैं बोला अरे यार तुम्हें एक बात बताऊं क्या, बहुत दूर से आया कुछ खाया नहीं, अरे उसका खाने का इंतजाम हो जाएगा, आप क्यों बेफिक्र रहो, आप खड़े हो साधना करो। साधना हुई, शाम हो गई, अंधेरा अंधेरा कुछ नहीं दिख रहा है, उसने छोटे लकड़ियां लगाकर अग्नि प्रज्वलित की, देखा यार उन्हें सब लकड़ी लगाया है, कुछ खाना पकाया है। मैंने बोला अरे यार भूख लगी है, ठहर जा यार, ठहर जा। गया झरने के पास, गया एक पत्ता लिया, पत्ता पानी में डुबाया, बोला तेरा जीव तुम्हारी बाहर करो, तेरा जीव बाहर किया, पांच बूंद पानी डाला, बोला हो गया तुम्हारा खाना। मैं बोला 11 दिन मर जाऊंगा यार ऐसा, या ऐसी साधना मत करना। उन्होंने कहा तो साधना तो ऐसे ही कर रहे ना। दूसरे दिन पांव लड़खड़ाने लगे, खड़े रहने की भी शक्ति चाहिए। उसने ले लेकर एक पेड़ को मुझे बांध दिया, पूरी तरीके से पेड़ को बांध दिया और कहा कि तुम्हें खड़े नहीं हो रहा है ना, मैं बांध दिया हूँ, तो गिरेंगे नहीं, चलो साधना करो। पहले दो दिन हुए, रोज लगातार पांच बूंद पानी से डालता, साधना खाना खत्म, साधना चल। ऐसा करते करते हुए 11 दिन गुजरे। 11वें दिन मेरी परिस्थिति ऐसी थी कि मैं मालूम तुम्हें मैं क्या बताऊँ। उसने जब मुझे रोज खोलता था, पत्तों पर सोने के लिए कहता था, पत्तों पर सोए, उठा बाहर आया और मैंने कहा कि सर अभी ठीक है, साधना हो गई। बोला अब हमारे साधक है यहाँ जी, मेरे पास साधना करने का है। उन्होंने पांच दिन की साधना में अगर गलती से गुरु ने लिख दिया है कि तीसरे दिन की साधना में आपको सुगंध आएगा या आपको घुंघरू की आवाज आएगी या आपको कुछ दिखेगा, तो उन्होंने तीसरे दिन ही पूरे मेरे को घुंघरू की आवाज नहीं आई, मेरे को साधना में सुगंध नहीं आया, वो शुरू कर देता है। पांच ही दिन के बाद, पांच ही दिन तो मेरे जाकर कपड़े पर खड़े रहता, मैं साधना पांच दिन की किया कुछ नहीं हुआ। मुझे 11 दिन करने के बाद मुझे मुंह से ये नहीं निकला कि मुझे कुछ दिखा नहीं, मैं ये सोच रहा था कि कब घर जाऊं, कब खाना खाऊं, खाना नहीं खाया। मैं साधना सिद्धि की बात तो दूर है। उस साधना ने कहा हाँ जोशी जी, अब 11 दिन की साधना हो गई, अभी चलना है। मतलब कहाँ चलना है यार, 11 किलोमीटर यहाँ से चल सकता हूँ क्या, रेंगते हुए भी नहीं चल सकता हूँ, मेरे में शक्ति ही नहीं है। बोले आप एक योग्य गुरु के सामने क्लेशवान जी के शिष्य होकर ऐसी बात करते, आप हमारे दोनों को ले गया और उसने कोई पत्ता वहां से लाया और बोला तुम्हारा मुंह खोलो और उस पत्ते का रस मेरे मुंह में डाल दिया। जैसा ही पत्ते का रस मेरे मुंह में डाला, मेरे में इतनी शक्ति आ गई कि मैं 11 किलोमीटर का 20 किलोमीटर भाग के कर सकता था। उसका ज्ञान उसे ही था, उस साधु ने डाला। मैं वहां से 11 किलोमीटर गए, देखता कि हम वही बस वापस आ रहे हैं। अरे मैं बोला यार सचमुच मेरे पास 2 रुपए है, मैं दिल्ली तक कैसा पहुंचूंगा। अरे आप इतने बड़े महान गुरु के शिष्य होकर फिर भी डरते हो, अरे महान शिष्य क्या पैसे आएंगे कि मैं भुगत कर ले जाएगा, फ्री में ले जाएगा क्या, कैसी बात करते हो यार। अरे थोड़ा विश्वास से बोलो, तुम ठहरे तो सही। बस आगे तो उसने उस साधु ने कहा, एक मारवाड़ी बैठे थे टोपी वगैरह डाला था, उस मारवाड़ी को देखा, मारवाड़ी सेठ जी क्या ये जो आदमी है ना ये दिल्ली जाएगा, यहाँ से जाएगा दिल्ली जाएगा, इसका खाने का और टिकट का इंतजाम करना, पहले टिकट निकालो। वो जो मारवाड़ी सीट बैठा हुआ था मानो ऐसा मारा था कि उसके हाथ ही जब काम करता है, उसने टक्के साथ टिकट निकाल दिया, टिकट मेरे को दिया, वहां से जाने के पैसे मेरे को दे दिया। महाराज जी दे दिया हूँ, बोला भाई बोला ये इतना इतनी बात कैसा कर रहा है, इतना दे दिया हूँ कहता है। मैं बैठा और वहां से गुरुचरणों में दिल्ली पहुंचा और गुरुचरणों में जैसा ही नमस्कार किया, मेरा जो अनुभव है मैं आपको बताने से नहीं रुकता, लेकिन इतनी बात है कि मुझे दशमान विद्याओं का रूप गुरु जी ने बता दिया और कहा जोशी तेरे जीवन में अभी से कभी कुछ नहीं कम पड़ेगा और वैसी साधना मुझे करनी पड़ेगी। तू जो चाहता है वो तुझे प्राप्त होगा, ऐसी गुरु जी कृपा थी। लेकिन वो साधना आज तुम्हें जो बता रहा हूँ वो साधना ऐसी साधना नहीं थी जो कठिन कर साधना थी, मैं तो ऐसी कठिन साधना बोलता ही नहीं, फिर भी आपको कह रहा हूँ अगर आप में तपस्या है साधना है तो जीवन में ऐसा कुछ करके बताओ जिससे आप कुछ प्राप्त कर सको। कम से कम उतना नहीं कर सकते हो तो छोटी छोटी साधनाएं आपकी मनोकामना पूर्ण होने के लिए आपकी मेरे पास आप सब लोग क्या लेकर आते हो, सिर्फ ये करने के लिए गुरुजी धन का अभाव है, माता पिता बीमार है, हमारे पास बच्चों को इन्होंने संतान नहीं हो रही, बच्चे की शादी नहीं हो रही है, सिर्फ यही लेके आते हो। कभी अपनी तपस्या के बारे में सोचा ही नहीं कि आपने तपस्या क्या की है। तपस्या किसे कहते हैं, जो अपने शरीर को ताप देता है
उसे तपस्या कहते हैं, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना। अगर शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जी से पार्वती अपने को पहले एक समय खाना खा करते बाद में खाना छोड़ दिया, पत्ते खा करती पत्ते छोड़ दिए, पानी पीकर साधना की, और पानी भी पीकर साधना जब शिव प्रत्यक्ष नहीं हुए तो माता पार्वती ने सिर्फ